हेलो फ्रेंड्स, जय जिनेंद्रा। आप सभी का स्वागत है द इनिशिएटर में। तो फ्रेंड्स, आज मैंने अपने कुछ गार्डन के ज़रूरी काम करने हैं, तो देखिए मैं दिखा देती हूँ। ये मेरा सफलेरा का प्लांट है और इसने अपनी नीचे से सारी लीव्स निकाल दी हैं, तो आज हम इसको ठीक करेंगे। और ये रबड़ प्लांट है, काफ़ी टाइम से इसमें से लीव्स नहीं निकल रही थी, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इसकी मिट्टी निकाल के थोड़ा सा देख लेती हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और ये मोरपंखी का है, तो आज कुछ इसी तरह के ज़रूरी काम मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए करते हैं भी वीडियो को स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, जब भी हमारे पौधों की ग्रोथ रुक जाती है, हमें थोड़ा सा उनको हाफ रिपोर्टिंग या फुल रिपोर्टिंग से हमें देखना पड़ता है कि हमारे पौधे में प्रॉब्लम क्या आ रही है। और अब क्योंकि मौसम भी अच्छा हो गया है, तो देखिए सबसे पहले मैं अपनी मिट्टी गमले की निकाल लूँगी और देखते हैं अब एक एक करके हमारे किस गमले में क्या दिक्कत आ रही है। और फ्रेंड्स, इस मोरपंखी के पौधे को 2 साल लगे हुए भी हो गए हैं, और इस टाइम पर ये काम हम आराम से कर भी सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, और ये देखिए फ्रेंड्स, रूट बाउंड हो गया और शायद इसीलिए से इसकी ग्रोथ नहीं हो रही है। फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब हमारा पौधा थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है और हमारा गमला उसके लिए छोटा पड़ने लगता है, तो हमारे पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। तो ये देखिए, और क्योंकि मेरी बालकनी थोड़ी सी छोटी है, तो मैं इसको इसी में लगाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, इसकी जड़ें कितनी अच्छी हो रही हैं, लेकिन ऊपर से ये ड्राई हो रहा है, तो ये साइन होता है कि अब हमारे पौधे को थोड़ा सा बड़ा गमला चाहिए। और ये बिना निकाले हम नहीं पता कर पाते, बस हमें इसको ऐसे ही थोड़ा सा छोटा करके इसमें लगा दूंगी। देखिए, हम इसमें इस तरह से ठीक भी रख लेंगे। और बस हमारी जो मिट्टी थी फ्रेंड्स, इसमें मैंने अपने खाद वगैरह सब मिक्स कर रखी है। आप चाहें तो नई मिट्टी भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें आधी अपनी नई मिट्टी और आधी मैंने अपनी इसी गमले की मिट्टी को मिलाकर मैं इसमें लगा दूंगी। और फ्रेंड्स, बरसात का टाइम है, तो फंगस वगैरह का थोड़ा सा डर ज़्यादा होता है इस समय पे, तो आप अपनी मिट्टी में अगर फंजीसाइड है तो आप फंजीसाइड मिला लीजिए, और अगर फंजीसाइड नहीं है तो आप इसमें हल्दी ज़रूर मिलाएं, क्योंकि हल्दी भी हमारी एंटीबायोटिक होती है और मैं अक्सर अपने पौधों में यूज़ भी करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये पौधा लग गया है, और अब मैं इसकी थोड़ी सी ट्रिमिंग भी, जो पत्तियाँ बिल्कुल ड्राई हो गई हैं, उन्हें मैं निकाल दूँगी। और देखिए फ्रेंड्स, जड़ें तो हमारी इसकी भी काफ़ी अच्छी हैं। और फ्रेंड्स देखिए, इसमें नहीं थोड़ी सी चिकनी मिट्टी भी है, ये देखिए, तो इस चिकनी मिट्टी को हम निकाल देंगे। और इसमें आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि आप इसको थोड़ी सी देर पानी में डालकर छोड़ दें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, और अब मैं इसमें एक काम ये भी करूँगी फ्रेंड्स, कि जैसे मैंने इसकी मिट्टी हटाई है, तो ये देखिए मैंने एक बकेट में पानी लिया हुआ है, और मैं इसमें ये देखिए थोड़ा सा फंजीसाइड डाल के इसे थोड़ी सी देर इसमें छोड़ दूंगी। तो इससे ये कि अगर हमारी जड़ों में कुछ इन्फेक्शन वगैरह है वो भी ख़त्म हो जाएगा, और अगर नहीं है तो फंगस का डर भी ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको थोड़ी सी देर इसमें डिप करके रख देंगे।
और देखिए अभी हमारा रबड़ प्लांट है, इसको भी देख लें कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। देखिए फ्रेंड्स, इसकी जो रूट्स इतनी लंबी जा रही हैं, तो इसको हमें थोड़ा सा काटना पड़ेगा और हम इसको भी अपने इस फंजीसाइड वाले पानी में थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। देखिए फ्रेंड्स, आप भी अगर अपने पौधों में ये काम कर रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो देखिए, जैसे मैंने इसकी गमले की पूरी मिट्टी खाली कर ली है और इसमें मेरा सफलेरा का प्लांट लगा हुआ था, तो देखिए इसका जो ड्रेनेज होल है ये बिल्कुल बंद है। सारी मिट्टी इसकी निकल गई लेकिन इसका ये ड्रेनेज होल अभी भी नहीं खुला। इस वजह से भी कभी कभी हमारे पौधे खराब हो जाते हैं। तो आप भी अपने इस समय पर अपने ये सारे काम जरूर नहीं आप भी इस समय पर अपने गमलों के ड्रेनेज होल जरूर चेक कीजिए। मैंने इसमें आधी तो मेरी ये गमलों की ही मिट्टी है और मैंने आधी इसमें नई मिट्टी लेके और फिर उसमें 40% सैंड, नीम खली और 30% मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट मिलाई है। और देखिए, आपको देख के ही पता लग जाएगा हमारी मिट्टी कितनी अच्छी एकदम सॉफ्ट बनी है। तो हमने अपने गमलों में ठीकरियाँ रख ली हैं और अब हम इन्हें मिट्टी डाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने अपने इसको फंजी साइड में रख दिया था। ये हमारा रबड़ प्लांट है और देखिए थोड़ी सी मैं इसकी रूट्स को काट दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा सफलेरा का प्लांट है। ये देखिए, अब हमारे ये सफलेरा का प्लांट भी लग गया। और फ्रेंड्स, अगर आपको दिख रहा हो तो देखिए इसमें से नोट्स आ रहे हैं। ये देखिए, इसमें से इस तरह से नोट्स आ रहे हैं और ये केवल मेरी खाली स्टेम रह गई है। तो मैं अब क्या करूँगी, इस प्लांट को हम पानी में भी प्रोपोगेट कर सकते हैं। मैं इसकी 6 से 7 इंच की कटिंग यहाँ से ले लूँगी। तो देखिए, मैंने इसकी 7 से 8 इंच की कटिंग ले ली है और चाहे तो आप इसको इसमें मिट्टी में भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसको पानी में डालूंगी और इस पे हम लगा देंगे हल्का सा फंजीसाइड, जिससे कि किसी भी तरह का फंगस का अटैक ना हो। ये बहुत ज़रूरी काम है फ्रेंड्स, इसको आप ज़रूर फॉलो कीजिए। अगर आपके पास फंजीसाइड नहीं है तो आप इसमें हल्दी भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरी जो ये सारे इंडोर प्लांट्स थे और जो मेरे आउटडोर प्लांट्स भी थे, उनकी मैंने सभी को गुड़ाई करके और मैंने इसमें खाद दे दी है और अब हम इसमें वाटरिंग करेंगे। देखिए, मैंने ये 1 चम्मच टर्मरिक ले लिए, 1 से 1.5 चम्मच। तो देखिए, ये पानी में डिजोल्व करके मैं पौधों में दे दूंगी। हल्दी क्या होती है फ्रेंड्स, हमारे एंटीबायोटिक होती है और जैसे अभी ये रेनी सीजन आ रहा है तो आप वाटरिंग की जगह हफ्ते में एक बार इस पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिससे कि हमारे पौधों में फंगस नहीं लगेगी और आप फंजीसाइड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, पानी इतना दीजिएगा जितनी पानी की रिक्वायरमेंट हो, बहुत ज़्यादा पानी मत दीजिएगा क्योंकि इस टाइम मौसम में नमी है और हमारी मिट्टी जल्दी ड्राई नहीं हो पाएगी।
तो फ्रेंड्स आप मुझे बताइए आपको आज की वीडियो कैसी लगी, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।